गुड आईएमसी फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएमसी बिजनेस वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईएमसी वन वीक प्लान। इस वीडियो से नए लोगों को पता लग जाएगा कि उनको पहले वीक में क्या क्या करना है। यह वीडियो नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि आईएमसी ज्वाइन करने के बाद हमें अगले 7 दिन तक क्या करना है। तो आज इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी व्यक्ति आईएमसी ज्वाइन क्यों करता है? अपने हेल्थ के लिए, मनी के लिए, ड्रीम्स के लिए। फ्रेंड्स, आईएमसी ज्वाइन करने से ये सारी चीज़ें आप पा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले डे वन आपको क्या करना है? तो डे वन आपको आईएमसी ज्वाइन करते ही सबसे पहले 100% प्रोडक्ट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये आपको डे वन का काम है। अगर आप 100% यूज़ नहीं कर पाते तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब नेक्स्ट डे, डे टू आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आपको दूसरे दिन 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट को आपको कैसे तैयार करना है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। और दोस्तों, ट्रिक है FRIENDS, फ्रेंड्स। F यानी कि फ्रेंड्स, R यानी कि रिलेटिव्स, I यानी कि इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स, E यानी कि एम्प्लॉयज, N यानी कि नेबर्स, D यानी कि ड्रीमर्स एंड S यानी कि स्ट्रेंजर्स। इस फॉर्मूले से आप अपनी 200 लोगों की लिस्ट को तैयार करें। इसके बाद आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको 5 दिन से 10 दिन या पूरे महीने कितने लोगों से मिलना है। आप जब लिस्ट बनाते हैं तो आपको लोगों को प्रीजज नहीं करना है। ये नहीं मान के चलना है कि यह काम करेगा या नहीं करेगा। लिस्ट बनाने के बाद जिन लोगों को आप प्लान दिखा रहे हैं, अगर वो आपके साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको उनका भी लिस्ट तैयार करवाना है। उसके बाद डे थ्री आपको क्या करना है फ्रेंड्स? तो तीसरे दिन आपको उन 200 लोगों में से टॉप 20 लोगों को चुनना है फ्रेंड्स। ये टॉप 20 लोग वो होंगे जो आपके बिल्कुल खास होंगे, यानी कि आपको अपनी बात बताने के लिए ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको इन लोगों को इनवाइट करना है फॉर अ मीटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मीटिंग इनवाइट करने के बाद चौथे दिन आपको क्या करना है? चौथे दिन जिन लोगों को आपने इनवाइट किया उनमें से कुछ लोग आपके प्लान में इंटरेस्टेड होंगे। अब जो आपके प्लान में इंटरेस्टेड है, आप उनकी एक मीटिंग करवाएं। मीटिंग के बाद आपके जो इंटरेस्टेड लोग हैं, आपको उनकी एक मीटिंग अपने अपलाइन से करवानी है। मीटिंग के दौरान आपको ये देखना है कि आपके अपलाइन कैसे प्रोडक्ट डेमो करते हैं, कैसे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताते हैं और आईएमसी का बिजनेस प्लान कैसे दिखाते हैं। ये चीज़ आपको सीखनी है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आता है डे फाइव। डे फाइव आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि उस दिन आपको अपने आप कम से कम 2 सेल्फ प्लान शो करने होंगे फ्रेंड्स। 2 सेल्फ प्लान शो करने के बाद आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है फ्रेंड्स, वो इंक्रीज होगा। और उसके बाद ये कोशिश करने के बाद आप 2 सेल्फ प्लान रोज़ दे पाएंगे फ्रेंड्स। अब आता है डे सिक्स। अब डे सिक्स आने से आपको क्या करना है फ्रेंड्स? जो 5 दिन आपने किया है वो चीज़, 5 दिन जो आपने सीखा है वो चीज़ आपको अपने डाउनलाइन को सिखानी है। डे सिक्स आपको अपनी टीम को अपग्रेड करने की, एजुकेट करने के लिए होगी, यानी कि आप अपनी टीम को डे सिक्स आपको ट्रेनिंग देनी है, कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल बताना है। और उसके बाद डे सेवन फ्रेंड्स, डे सेवन आपको अपनी टीम को सेल्फ प्लान दिखाना सिखाना है कि सेल्फ प्लान कैसे दिखाते हैं। आपको देखना है कि प्लान दिखाते वो क्या गलती कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें बता पाए। तो दोस्तों, ये था आईएमसी का 1 वीक प्लान के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।